हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल HSTBull। दोस्तों, मैं हूं सुमन शर्मा, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो है हम कच्ची हल्दी जो यूज़ करते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। दोस्तों, हमारे किचन में हर टाइम जो है हल्दी अवेलेबल होती है। किसी भी तरह का कोई भी अगर हम सब्ज़ी बनाते हैं उसमें जो है हमें हल्दी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी कि हल्दी खाने के कितने ज़्यादा फ़ायदे जो हैं हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं। ये हम सबको ही पता है कि हल्दी जो है बहुत ही ज़्यादा गुणकारी मानी जाती है। पुराने टाइम से ही, जब से ही जो है हमारे जो वैदिक वैद्य होते थे, जब से ही जो है हल्दी को बहुत ज़्यादा गुणकारी माना जाता है। ये हम सबको ही पता है, हल्दी के अंदर बहुत सारे गुण ऐसे पाए जाते हैं कि एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगल का और एंटी बैक्टीरियल का काम करती है। ये हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह के अगर हमारा जख्म हो रहा है उसको भरने के लिए, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि हल्दी के अंदर कितने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, जो हल्दी पाउडर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं उसके अंदर इतने लाभ नहीं होते जितना ज़्यादा कच्ची हल्दी का अगर हम यूज़ करते हैं। जो कच्ची हल्दी होती है वो जो है अदरक की फॉर्म में होती है, जैसे अदरक होता है हमारा उसी तरह की वो क्या है, गाठे सी होती है उसके अंदर। उस हल्दी का अगर हम यूज़ करते हैं अपने खाने में या अपने जो भी मैं आपको बताऊंगी, तो हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों के ऊपर वो इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको अगर कैंसर की सेल पनप रहे हैं आपके शरीर के अंदर, तो उसको भी वो क्या करते हैं, ख़त्म करता है। साथ में आपके शरीर की स्किन को ग्लोइंग करता है। अगर आप स्किन पे जो है उसको अप्लाई करते हो तो वो आपकी स्किन के भी जो है ग्लोइंग करने में हेल्पफुल होता है। और साथ में अगर आप उसके पीते हो तो उससे भी जो है आपके शरीर की इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। तो मैं बताऊंगी आज आपको कि किस तरह से यूज़ करनी है आपको। अगर आपको जो है हल्दी का यूज़ अगर आप करते हो अच्छी तरह से, तो आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, बताते हैं कि हल्दी के क्या क्या गुण हैं। एक तो दोस्तों, अगर आपके शरीर के अंदर कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर से संबंधित अगर आपको समस्या है या आपके शरीर के अंदर, कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है कैंसर के सेल पनप रहे हैं। तो अगर आपके शरीर के अंदर जो है आपको लगता है किसी तरह की इस तरह की अगर प्रॉब्लम है, नॉर्मली भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपको जो है हल्दी की गांठ को क्या करना है, आपने पानी के साथ उबाल के, अच्छी तरह उबाल के, और उसके बाद उसको थोड़ा सा कोसा होने देना है, थोड़ा सा निवाया हो के जो है उसको आपने पीना है। उससे जो है आपके शरीर के बॉडी के जो कैंसर सेल होते हैं उसको वो ख़त्म करती है। और एक कंडीशन और भी है दोस्तों, अगर आपकी कीमोथेरेपी चल रही है या कोई रेडिएशन थेरेपी चल रही है तब आपने ये पानी नहीं पीना है, फिर आप डॉक्टर से सलाह कर सकते हो। अगर आपके शरीर के अंदर वैसे ही आपको कमजोरी लगती है या आपके शरीर में बहुत ज़्यादा थकान रहती है, बहुत ज़्यादा वीक आप रहते हो और आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर कैंसर जैसे सेल हो सकते हैं, तो उसको आप ख़त्म कर सकते हो या किसी भी बीमारी के लिए ये बहुत लाभकारी होता है। साथ ही साथ अगर आपके पेट में कोई समस्या रहती है, जैसे पेट के संबंधित आपको समस्या रहती है, तब भी आपने नहीं लेनी है हल्दी, कच्ची हल्दी का आपने सेवन नहीं करना है। जैसे कि आपको लूज मोशन वगैरह ज़्यादा रहते हैं तो आपने नहीं यूज़ करना है। और अगर आप गर्भवती महिला को दे रहे हैं तब भी उनके लिए भी अवॉइड करना है, उनको भी आपने जो है कच्ची हल्दी का सेवन नहीं करना है। दूध पिलाती हुई माताओं ने नहीं इसका यूज़ करना है, कच्ची हल्दी का नहीं पी सकते। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी दोस्तों, अगर आप क्या करते हो, ये जो हल्दी का अगर हम यूज़ करते हैं ये हमारे दाँतों को साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा कारीगर मानी जाती है। आपने क्या करना है, आप जैसे आप नॉर्मल ब्रश यूज़ करते हैं, पेस्ट यूज़ करते हो, उस पेस्ट की जगह पे आपने क्या करना है, हल्दी को छिड़कना है अपने ब्रश के ऊपर और उससे जो है आपने ब्रश करना है। देखना आपके दांत बहुत ही वाइट, और जो अगर पायरिया जैसी समस्या आपको रहती है, कईयों के दांत में से खून आता है, तो उस समस्या को भी ये ख़त्म करता है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और दूसरा क्या है दोस्तों, अगर आपके शरीर के ऊपर जैसे दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपके शरीर पर जो है पिंपल्स रहते हैं,
आपके फेस पे बहुत ज़्यादा आपको छाइयाँ हो रही हैं या पिंपल्स रहते हैं, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको जो है हल्दी का पेस्ट बना के, जो है कच्ची हल्दी का पेस्ट बना के अपने फेस पे अप्लाई करना है, और उसके बाद आपके फेस के दाग धब्बे और आपके पिंपल्स की समस्या बहुत कंट्रोल हो जाएगी। उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और आपके शरीर की जो आपकी स्किन होगी उसको ग्लोइंग करने में भी ये हेल्पफुल होता है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें आपके शरीर के दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छे गुण पाए जाते हैं। अगर दोस्तों आपके गले में खराश रहती है, जैसे कि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है और बहुत सारे जो हैं लोग को लगता है कि ये खांसी जुकाम और इस तरह के अगर सिम्टम हमारी बॉडी के अंदर शो होते हैं तो हमें कोरोना होने के भी संकेत हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके गले में खराश रहती है या आपके गले में जो है बलगम जमा रहता है, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम अगर आपको रहती है, तो आपने क्या करना है, गर्म पानी को, जैसे हम गरारे करते हैं गर्म पानी से, उस तरह से आपने गरारे करने हैं। पानी के अंदर चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर नमक डाल के जो है आपने इसके पानी के गरारे करने हैं। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम जो है मिलेगा। इससे हल्दी के बहुत ज़्यादा गुण जो हैं होते हैं हल्दी के अंदर, ये हमारी बॉडी को जो है बहुत ही अच्छे लाभप्रद होती है, ये लाभ देती है बहुत। कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका हमारी बॉडी के ऊपर होता नहीं है। अगर हमारी बॉडी के अंदर, मैंने आपको बताया कि उन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जो प्रेग्नेंट हैं, जैसे फीड करवाती हुई माताएं हैं, या फिर जो लोग कीमो करवा रहे हैं उन लोगों को नहीं इसका यूज़ करना चाहिए। बाकी सारे लोग जो हैं इसका यूज़ कर सकते हैं। पेट से संबंधित समस्याएं अगर आपको रहती हैं तब भी आपने इसका यूज़ नहीं करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।